ग्रीटिंग्स एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में हमने जो डेटा फीड किया है उसे हम फॉर्मेट कैसे करेंगे। हम पहला जो ग्रुप टैब देखने वाले हैं वो है फॉन्ट टैब। इसके अंदर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो लेट्स सी कि हम इसे कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने सेल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसके अंदर का जो डेटा है वो मेरी कॉलम विड्थ से थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो अगर मुझे कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट आई विल गो ऑन टू द कॉलम हेडिंग्स। वहां पर आपको एक थिन लाइन दिखाई दे रही होगी जिससे आपके कॉलम के हेडिंग्स जो है वो सेपरेट किए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं अपना कर्सर लेके जाऊँ तो आपको एक टू वे कर्सर दिखाई देगा। वहां पर जब मैं डबल क्लिक करूंगी, तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी जो कॉलम की विड्थ है वो एडजस्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट टेक्स्ट। यहाँ पर ये सेल में जो मेरा लार्जेस्ट टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो कॉलम की विड्थ जो है वो एडजस्ट हो गई है। अगर आपको इससे थोड़ी ज़्यादा विड्थ बढ़ानी है तो आप इस कर्सर को सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। जितनी भी आपको विड्थ चाहिए आप उतनी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं हमारे तीन ऑप्शंस जो कि है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो आप ये तीनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। फर्स्ट लेट्स सी बोल्ड। अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है इसका मतलब ये है कि आप उसे थोड़ा थिक करने वाले हो जिससे कि वो हाईलाइट हो जाएगा। बोल्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद आपको फॉन्ट ग्रुप टैब के अंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो सिलेक्टेड सेल है उसके अंदर का डेटा बोल्ड हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी अवेलेबल है, दैट इज कंट्रोल बी। अगर आपने फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपका जो डेटा है वो अनबोल्ड हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। सो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल बी। उसके बाद हमारे पास है इटैलिक। इटैलिक में आपको जो आपका डेटा है वो थोड़ा स्लैंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बोल्ड के साइड में ही आपको इटैलिक का ऑप्शन भी दिया गया है। इस पर क्लिक करने से यू कैन सी दैट इटैलिक हो गया है ये हमारा टेक्स्ट। इसे अगर हमें इटैलिक से अगेन नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे नॉर्मल टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इटैलिक के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। उसी से आप इटैलिक को कन्वर्ट कर सकते हो और नॉर्मल टेक्स्ट में भी इटैलिक को कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन का। किसी हेडिंग या किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है तो आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन के लिए आप देख सकते हैं कि इटैलिक के साइड में आपको एक यू दिखाई देगा, ये अंडरलाइन का हमारा ऑप्शन है। अगर इस पर हमने सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ये सेल है इसको अंडरलाइन आ गया है। इसी यू के साइड में आपको एक एरो दिखाई देगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा दैट यू हैव टू ऑप्शंस ओवर हियर, दैट इज अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन। बाय डिफॉल्ट अगर आपने यू पर क्लिक किया तो आपको सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी, और अगर मुझे डबल अंडरलाइन करना है तो मैं वो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी स्प्रेडशीट के अंदर एक मार्क लिस्ट दी गई है। यहाँ पर आप देखें तो ये F2 कॉलम में आपको मार्क लिस्ट जो दी गई है उसका हेडिंग है। सो इसे अगर हम बोल्ड करेंगे तो कंट्रोल बी, आप देख सकते हैं कि आपका जो हेडिंग है वो बोल्ड हो गया है। अब इसे मुझे अंडरलाइन भी करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल विथ यू। अब मुझे इसे डबल अंडरलाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अगर इस पर हमने सिलेक्ट किया मैं उसे क्लिक करूंगी और उसी के साइड में जो एरो है उसके अंदर जाकर मैं डबल अंडरलाइन को क्लिक करूंगी, तो उससे मेरी मार्क लिस्ट ये जो हेडिंग है इसको डबल अंडरलाइन आ गई है, आप देख सकते हैं। तो अब अगर मुझे सभी नेम्स को इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगी, तो आप देख सकते हैं सभी नेम्स जो है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे सभी कॉलम्स के हेडिंग्स को अगर अंडरलाइन देनी है देन अगेन मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगी और कंट्रोल यू, इससे आपके सभी कॉलम के हेडिंग्स को अंडरलाइन आ गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये परसेंटेज का जो कॉलम है उसकी विड्थ एडजस्ट हो गई है। अब मुझे ये टोटल को अगर बोल्ड करना है अगेन तो मैं सिलेक्ट कर लूंगी और कंट्रोल बी, तो आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल है वो पूरी हाईलाइट हो गई है, यानी कि वो बोल्ड हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज थ्री ऑप्शंस। आप भी अपना जो टेक्स्ट है आपकी स्प्रेडशीट में का उसे हाईलाइट करके देखिए
बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों ऑप्शंस यूज करके देखिए। एंड टिल देन थैंक यू।